पुराने रंजिश के चलते युवक का अंगूठा काटा। भीमरी में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने दूसरे युवक का हाथ का अंगूठा काटा। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। मंझोला थाना क्षेत्र के भीमरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मोहल्ले में ही रहने वाले युवक परवेज ने मोहसिन के सीधे हाथ का अंगूठा काट दिया। अंगूठा कट जाने से युवक तड़पने लगा। युवक की चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। युवक के पिता सुलेमान ने बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाला परवेज ने पुरानी रंजिश के चलते उसके बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उसके लड़के मोहसिन का सीधे हाथ का अंगूठा जोड़े से काट के गिर गया और लहूलुहान हालत में उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद युवक के पिता ने मझोला थाने में तहरीर देकर आरोपी युवकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। प्रभारी निरीक्षक मझोला राकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। क्या मामला हुआ आपके बेटे के? ये हम तो करीबन 10 बजे से 7-8 बजे से अपने घर में ही थे सब लोग। हमारा बेटा काम पे था, जब ये काम पे से करीबन ये 10-10:30 बजे गली में आया तो इसको फ़ोन पे बोल दिया था कि बेटे जरा दुकान से बोल देता, ये हगीज़ वगैरह बच्चे के लिए। तो ये वहाँ पे रास्ते में दुकान के लिए रुक गया। अब ये वहाँ से वहाँ पे जब रुका तो अब इसको ये मालूम नहीं था कि इसके पीछे कोई आ रहा है कि क्या है, क्या कहानी नहीं है। जब ये गाड़ी मोड़ी इनने, इसको याद नहीं रहा था, फिर ये वापस दुकान पे जाने लगा। घर पे आन के घर में नहीं घुसा, दरवाजे पे आया था बस। अब ये वापस जाने लगा, गाड़ी मोड़ रहा था, इनने पीछे से आन के जिसका नाम मोहम्मद परवेज है बोल दिया था, फारूक हुसैन है, फारूक पहलवान भी कहते हैं, फारूक हुसैन ने नाम। तो उनने पीछे से आन के छुरी रख दी। लड़के ने जो कहा था वो उससे बोला, लड़के से मेरे के अपने बाप को बुला। तो लड़का जो तक छुड़ा के वो भागने लगा। लड़का जब भागा तो उनने फिर दोबारा से पकड़ लिया, पकड़ के गर्दन पे छुरी रख दी। इनने काफ़ी ताकत लगा के, इसके कहने के अनुसार इनने ताकत लगा के वो पीछे को हटा दी छुरी। तो इसका जो है एक दूसरे पहले हाथ में, सीधे हाथ में थोड़ी कुरेचे वगैरह हैं, फिर ये छुड़ा के भागा, फिर इन्हें तिसरा के पकड़ लिया। तिसरा के पकड़ा तो उनने फिर छुरी मारी तो उसका ये दाएँ हाथ का अंगूठा है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और गिर गया जी मेरे बेटे को, और वो ये काट के और तुरंत ही भाग गया। हम ये चाहते हैं कि इसके साथ दंडित बहुत कड़ी से कड़ी सजा हो सके। हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा एक लड़का विकलांग भी है जिसकी उम्र 9 साल है, उसका साबिर हुसैन नाम है। कहाँ पे रहते हैं सर? मैं करोले पे रहता हूँ, भीमरी में, अम्बेडकर की मूर्ति के पास। जोर से मोहसिन, क्या हुआ आपके साथ? मैं गाड़ी घर पे चढ़ा रहा था, मैं गाड़ी में मोड़ लिया था तो पीछे से मेरे गर्दन पे छुरी रखी और छुरी चलाने लगा, वो मैंने हाथ से पकड़ ली तो दो बार खाली भी लगाया उसका। मेरे हाथ जब पड़ गई निकल गई फिर दूसरी तीसरी बार जब मेरे मारे बाद तो मैंने हाथ से रोका तो मेरा अंगूठा भी कैसे कट गया और फिर वो वहाँ से रुका मैं भाग। क्या था उसके पास? छुरी थी, छियासी बोले। नाम क्या उसका? परवेश। परवेश कितने बजे की बाइक गया आपकी? 10:30 बजे। 10:30 मजा था ना? तो बोल दूँ, दो चाहिए बाइक।